नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर स्टेट हाईवे पर करीब 9,18,600 रुपए की अवैध शराब सहित एक ट्रक को कब्जे में लिया, जिसमें दो आरोपी भी पकड़ाए गए। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को शाम 4 बजे के करीब आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि स्टेट हाईवे पर ट्रक GJ09V5936 में अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा है। एक ट्रक में ईंट के नीचे दबाकर जब आबकारी की टीम ने ट्रक में छानबीन की तो जो पाया उसे देखकर वो भी चौंक गए। दरअसल ट्रक के ऊपर ईंटों का ढेर था और उसके नीचे अवैध शराब का जखीरा सामने पाया। आबकारी विभाग ने कुल 9,18,600 रुपए की शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने आरोपी मंगल सिंह पिता अमर सिंह निवासी धामनी कुका झाबुआ और पवन पिता अंतर सिंह कोटेश्वर धार को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग के SI कपिल कुमार मंगोदिया एवं SI अल्केश सोलंकी ने मुखबिर से सूचना के आधार पर उक्त ट्रैक्टर को माल सहित पकड़ा। मौके पर जब ट्रक को आबकारी गोडाउन पर ट्रक को लाया गया तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।